जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत फिट इंडिया कैंपेन के तहत रन फॉर वन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन वन वन्य जीव संरक्षण जागरूकता को लेकर किया गया, जहां कलाम फाउंडेशन, पार्क प्रबंधन एवं वन जीव प्रेमियों का संयुक्त आयोजन अलग अलग आयु वर्ग के आधा दर्जन प्रदेशों से आए हुए 2500 से प्रतियोगिताओं के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया एवं कार्यक्रम के दौरान माउंटेन गर्ल भावना डेहरिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिट इंडिया कैंपेन के तहत पर्यावरण, वन संरक्षण और वन जीवों की सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से कलाम फाउंडेशन, पार्क प्रबंधन एवं वन जीव प्रेमियों द्वारा संयुक्त रूप से खितौली रेंज में रन फॉर वन फिट खितौली मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात सहित आधा दर्जन राज्यों के अलग अलग आयु वर्ग के 2500 महिला एवं पुरुष प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया, जहां दौड़ प्रतियोगिता का रूप 5 किलोमीटर रखा गया, जिसमें 2.5 किलोमीटर दूर जाना एवं इतनी ही दूरी वापस तय करना था एवं वन वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सामूहिक रूप से किए गए इस आयोजन में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन प्रतियोगिता को माउंट एवरेस्ट तय करने वाली मध्य प्रदेश निवासी भावना डेहरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं आयोजकों द्वारा मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रम में विजयी प्रतियोगिताओं को नगद राशि प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। ये सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये रन फॉर वन है, आज के टाइम पे वन को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिट खितौली इसका टाइटल है। क्यों फिट खितौली? इसलिए क्योंकि खितौली में हो रही है और सब फिट रहे, और रन फॉर वन मतलब वन को हमको सुरक्षित रखना है और उसके लिए एक दौड़ है। और यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग स्टेट से, जैसे उड़ीसा से, राजस्थान से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और खुद मध्य प्रदेश के ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट है, और उसके अलावा खितौली प्रॉपर के भी यहाँ पर पार्टिसिपेट है जो इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। क्या संदेश है आपका वन एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर? बिल्कुल, इनको जैसे रिजर्व है, छेड़ना इनको बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बहुत सारी जगहों पर हम जो न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पर जो नागरिक है उन्होंने वन्य जीवों को परेशान किया है, तो ये इनका अच्छा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि रन फॉर वन मतलब उस वन को सुरक्षित रखने के लिए ये रन है। तो हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और जहाँ पर पेड़ कम हो रहे हैं वहाँ पर प्लांटेशन में ज़्यादा जोर देना है, और जो पेड़ बचे हुए हैं उनको सुरक्षित रखने में भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और वन्य प्राणी आज के समय पर कम होते जा रहे हैं, तो ये रिजर्व उसी के लिए है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। मैं सभी को, पहले तो यहाँ के खितौली के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और इतनी अच्छी मैराथन दौड़ का हिस्सा बनाया है सभी बच्चों को। और यहाँ के बच्चों को मैं एक ही संदेश दूंगी कि हमें वन को बचाना है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में हमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो मैं यही सभी से बोलूंगी कि आप सभी जितना अपने प्लांट्स लगा सकते हैं उनको लगाइए और उनको बचाइए, उससे ही हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। और आज देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी आज स्टेज में पहुंचता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लगाता है, उसी से हमारा इस टूर्नामेंट से जो सक्सेस होगा वो आगे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। और हम चाहते हैं कि उनसे वहां भी वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे और कुछ मेडल्स हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या हमारी युवाओं की है, और किसी भी राष्ट्र का जो गौरव होते हैं वो उस राष्ट्र के युवा होते हैं। ये खितौली की एक मैराथन जो है वो पूरे देश के लिए एक संदेश है कि एक हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता है। इतनी बड़ी अधिक संख्या में विभिन्न राज्यों से, जो मुझे जानकारी मिली है, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, और भी मेघालय से, उत्तर प्रदेश से, बहुत जगहों से यहाँ पर हजारों की संख्या में एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये युवाओं में खेलों और शारीरिक शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई रुचि और लोकप्रियता भी है, और हमारा देश खेलों में अब प्रगति कर रहा है, इस बात का एक बहुत सुखद संकेत है। फिट खितौली मैराथन 2021 की थीम है रन फॉर वन, वन से जीवन, और यह मैराथन सौजन्य से है हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। इसने हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि जो जंगल है हमारे बहुत जरूरी अंग हैं, इनके बिना हमारा जो जीवन है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं।
जंगल काटते जाओगे तो वृक्ष कहाँ से लाओगे, ऑक्सीजन हमारी कम हो रही है, अभी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का इश्यू झेलना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें जो जंगल से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हीं को फोकस करके उन्हीं को हम सुधारने के एक मैसेज दे रहे हैं, सुधारने का मैसेज दे रहे हैं कि जंगल और जंगल के जो हमारे जानवर हैं वन और वन जीव उनके संरक्षण का मैसेज यहाँ पे अपनी मैराथन की ये फिट की तौली मैराथन 2021 के माध्यम से देना। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए जो हमारे वन हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। और ये हमारी धरती की दिल की धड़कन है, क्योंकि जब ये सांस लेते हैं तो हमारी धरती जिंदा रहती है। इसलिए ऐसी वन संपदा को जो धरती के जीवन को सुरक्षित करती है करता है उसको बचाना सबसे पहला कर्तव्य देश के नागरिकों का है। और देश के बहुत सारे नागरिक इस कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य में खितौली के की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपना जो असीम योगदान दिया है वो तारीफ के काबिल है।